ठीक है बाबूजी, नेडी ने बनाई अभी। सत श्रीकाल, नमस्कार साथियों, मैं महिंद्रपाल सिंह दानगढ़ अज उस जगह पर पहुंचा जिथे परल कंपनी की लगभग 50 किले जमीन जिथे आप 40 किले तनक आप 45 लगवाई हुई है, 40 किले तनक दे 40 किले तनक जमीन है, 40 एकड़ है। उस जमीन का जोड़ा पैसा भाई साहब उरी सरकार तो ठेके से लैके पाँदे आ, पहले साल किन्ने चढ़ी? 10,02,000 पहले, 10,02,000 सीधा साहब ने बोली। हाँ, ते तीजे से दूजे साल करी 13,35,000 ते तीजे साल जी हुण मौके दी बीजी हुई है 14,93,000 14,93,000 च हुण इस टाइम चढ़ी हुई है। अगली बोली फिर होने वाली है जस्ट मतलब 2-3 महीने तक। हाँ, मान ला जी फसल वड्डी तो कर देनी, फसल वड्डी तो फसल की कटाई तो बाद हो जानी है। इदा द करोड़ा अरबा रुपए की जायदाद पूरे देश च पई है, जे ऐदा ये बोली ते चढ़े ते गरीब लोगों का पैसा वापस हो सकता है। मैनू तुहाडा साथियों साथ चाहिए, जिदा इत्थे इंसाफ की आवाज़ ने मोर्चा ला के इस ते 45 लगवाई आ, ऐदा जिन्नियां पंजाब च प्रॉपर्टियां ने सारिया ते लाउणा ते तुहाडा साथ चाहिए। ये सारी चंगी तरह दिखा दो जी, आ फार्म हाउस बनया हुआ सी, आ कितारा इत्थे 45 लगी हुई, 2 मिनट 40 किले ते नंबर कराउण वाला समेत फार्म। हाँ जी, मानसा जिले की प्रॉपर्टी है जिदे आप 8 दिन भुख हड़ताल रखी, तो जी सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों के बावजूद इस प्रॉपर्टी निर्मल सिंह भंगू की भैन ने तो भाणजिया ने तबादले के राही खुरद बुरद कर दिता से। पिछले दिन ही मानयोग डीसी साहब ने इन दे जिहड़े इंतकाल से कैंसल करते, तो यह मोहर लग गई कि जी लैंड है ये अनलीगल तरीके बेची गई सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों के बावजूद। मैं तुहानू दसना चाहुंदा साथियों, इत्थे करोड़ों रुपए की इनकम हो रही है, ये किहदी जेब च जा रही है? इहदे च तुहाडा लोगों का हक मारिया जा रहा, गरीब लोगों के पैसे डुबे हुए आ, इसलिए इत्थे आपां इकट्ठे होकर इस लड़ाई नूं लड़ना, ये मेरा इत्थे आउण दा मकसद यही सी। मैं तुहानू दिखा सकां कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आउण तों बाद 2016 तों बाद निर्मल सिंह भंगू मैनी परल कंपनी की मैनेजमेंट ने यह जमीन अनलीगल तरीके गलत लोगों दिता गया, गलत तरीके दिता गया, तो अज ये करोड़ों रुपए के इनकम के सोर्स बने हुए हैं, ये कितने जा रहा? बस मैं तुम्हें इन्नी दसना सी, बाकी आने वाले दिनों अगली कार्रवाई लिए आप सारे फिर मिलते हैं। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी। क्योंकि उन्होंने तन मन और धन से, जैसे कि कुछ लोगों के मैं नाम भी लेना चाहता हूँ, दीवेंद्र सचान जी है, शिव शरण जी है, रात दिन हमारे साथ में अपने वाहन भी लगा रखे, नीरज जी है, रामू भैया है, विनोद जी हैं, और जो हमारे चेयरमैन साहब हैं उन्होंने भी अपना सहयोग दिया, तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस परिवार को। दूसरा, PACL कंपनी में थोड़ा हट के बात हो रही, बुरा ना मानिएगा कि इस चीज को बुरा मान जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आज लगभग 90% लोग यहाँ पे PSL के भी लोग बैठे हुए हैं, तो क्या आया है वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा हम तो मौके ढूंढा करते हैं कि हमारे पुराने साथी जहाँ मिले ये शरीर वहाँ पहुँचे, ये मेरा एक उद्देश्य रहता है, तो आज बहुत लोग बैठे हुए हैं, तो मैं ये थोड़ा जानना चाहता हूँ कितने लोग PSL से जुड़े हुए थे, थोड़ा हाथ उठा के थोड़ा जानना। 50% है भैया, ज्यादा है, ज्यादा संख्या। अच्छा, आज की डेट में क्या हो रहा है वो थोड़ा हम बता दें, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं पर अगर इस फील्ड में निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुराने साथी PSL के मिल जाते हैं, उनसे जानकारी, क्योंकि मार्केट हमारी वही है। जंगलगंज जब हम जाएंगे तो रेवेन्यू का भी हमको मिलेगा और ग्वालियर का भी मिलेगा, है ना, तो कहीं ना कहीं वो समस्याएं हमारे पूछा करते हैं और हमारे बहुत लोगों के जानकारी नहीं है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, तेलुगु साहब लोग नहीं आ रहे हैं तो हम चर्चा करते हैं। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, कोई दिक्कत ना हो, ना, 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 कोई दिक्कत। तो इस समय सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है और जो हम लोगों के आवेदन हुए हैं उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। आज जो कमेटी गठित की गई थी 2016 में, 2 फरवरी 2016 को, आज उन्होंने मालूम है क्या किया है, जो हमारे बॉन्ड पेपर वहां पे जमा है लगभग 70% उनके पेमेंट के लिए कुछ भी उन्होंने जवाबदेही नहीं रखा है, 70% लोगों का पैसा डूब जाएगा। इसके लिए मैंने एक प्रोफार्मा तैयार करवाया है,
शायद मैं इधर अभी व्हाट्सएप में जो लोग जुड़े होंगे भाई लोग, मैं बराबर दे रहा हूँ कि पॉलिसी धारक का नाम थोड़ा नीचे उतर के काम करना पड़ेगा और ये दबाव बनाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले वक्त पे अपनी जेब से पैसा हम लोगों को देना पड़ेगा। एक प्रोफार्मा बनाना है जिसमें नाम हो गया, पॉलिसी नंबर हो गया, उसका पेमेंट कैसे हम लोगों ने वहाँ पे दिया है, CDPP है, IPP है, मंथली था, क्वार्टरली था, हाफ ईयरली था या ईयरली था, उसके बाद कितना पैसा जमा हुआ और कितना मिलना था, ये एक प्रोफार्मा अपनी अपनी टीम से सभी लोगों, मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, मेरी एक इच्छा है कि सारे लोगों का भुगतान हो। और जो मेरे पिताजी के ऊपर कर्जा लगा है, आपके ऊपर जो कर्जा लगा हुआ है, वो हम लोग मुक्त हो, व्यापार अपनी जगह पे ये करेंगे, क्योंकि अगर व्यापार नहीं करेंगे तो हमारी गाड़ी और मेरा परिवार कैसे चलेगा। पर उसके साथ में जो पुराना भुगतान है उसको भी हम लोगों को दिलाने का फर्ज बनता है, ये हमारी नीति और नियत, क्योंकि बरकत वहीं पे होगी जब आपकी नीति और नियत अच्छी होगी, तभी व्यापार हम बढ़ा सकते हैं। तो इस पर भी थोड़ा सभी लोग लगे और अपनी टीम में ये प्रोफार्मा पूछाएं। बहुत जल्द हम लोगों को कार्यक्रम लोडा कमेटी, RM जो लोडा जी हैं चेयरमैन हैं, उनसे बॉम्बे हम लोग जा रहे हैं, अगर ये लिस्ट हम लोगों के पास आ जाएगी तो हम उनके सामने ये पेश कर सकते हैं और सारे लोगों का भुगतान हो सकता है, नहीं तो बहुत जल्दी में आने वाले दिनों में हो सकता है जो हम लोग इधर कमाएंगे वो हम लोगों को निवेशकों को देना पड़ेगा। धन्यवाद, विकास। तो मुद्दा उठाया गया है, हमारे आचार्य जी ने मुझे फोन करके बताया तो मैंने उनका फोन पर ही समर्थन कर दिया था कि मैं आपके साथ हूं। दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं, सभी राष्ट्र अध्यक्ष और सभी अपने अपने लीडर हैं, तो मैं एक बार हाथ उठाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कितने हाथ हुए, देखिए कम से कम 20 लोग हैं, अगर 20 लोग प्लान बना लें तो तीन तीन लोगों को अपने नीचे खड़ा कर दें तो फिर हम कामयाब हो सकते हैं। अगर तीन का टारगेट ले लें, वाकई तो आपकी मर्जी है। वैसे मैं आपको मुद्दा बता देता हूं, मेरी जो पार्टी है भारतीय लोक सेवा दल है और 25 नवंबर 2018 में हमने लॉन्च किए दिल्ली से जंतर मंतर से, और मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं जिसमें आपके दिल्ली में लगभग 30% लोग ऐसे हैं उस दवा से पीड़ित हैं। वो कौन सी है कि भारत सरकार ने जब से मोदी की सरकार आई है उसको बंद कर दिया। एक पंच कंपनी थी, बहुत बड़ी कंपनी है, जिसमें 5,85,00,000 लोग हैं जो पीड़ित दिल्ली से हैं, बहुत लोग हैं। जब आप निकलोगे मेरे साथ, मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा, हर गली हर मोहल्ले में आपके साथी मिलेंगे, जाति भेद का कोई भी पार्टी का राजनीति से कोई मतलब नहीं होगा। मेरे साथ बहुत बड़ी संख्या है, अभी जंतर मंतर में पिछले साल 25 नवंबर को हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, एक महीने 25 अक्टूबर से 25 नवंबर तक हम भूख हड़ताल में भी रहे थे, और अभी 6 नवंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय जहां निवास है वहां उसके 500 मीटर दूरी पे हमने प्रशासन को छका दिया, प्रशासन से यहां तक कह दिया कि तुम में ताकत हो तो तुम हमारे साथ कोई भी अत्याचार कर सकते हो, मैं जेल भेजो। हम 2000 की गिरफ्तारी जंतर मंतर थाने में लेकर आए, दोस्तों उनकी कोई ताकत नहीं थी, हम अपनी ताकत अपने साथ रखते हैं। ये तो आपका काम है सरकार को गिराना और सरकार को बनाना, हम में से ही वो लोग हैं, नहीं है। आज ये आयोजन किया जा रहा है, किस कारण किया जा रहा है और क्या रोष है? ये जो आयोजन आज किया जा रहा है, ये PACL चिटफंड कंपनी के सारे लोग हैं, ये चाहते हैं कि हमारा पेमेंट जो लेट हो रहा है वो जल्दी से जल्दी लोडा कमेटी करे जिससे हम सारे लोग फ्री हों। ये आयोजन आज यहाँ पर सैकड़ों की भीड़ को देखा जा रहा है, तो सैकड़ों की भीड़ का कारण क्या है? क्या सरकार द्वारा कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी या क्या मैटर है ये पूरा? कंपनी सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड थी, कंपनी ने 35 साल काम किया है, कंपनी को जबरदस्ती सरकार ने चिटफंड मान करके बंद कर दिया था जो 2014 में कर दिया था। 2014 से आज तक ये सारे लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लोग जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी 2016 को आ चुका है, मगर अभी तक केवल 5,000 तक का ही भुगतान
सेबी के द्वारा और लूडा कमेटी के द्वारा किया गया है। अगर इसी तरह से इन्होंने पेमेंट किया तो कम से कम पेमेंट मिलने में 10 साल लगेंगे। ये लोग चाहते हैं कि जो धीमी गति से ये लोग काम कर रहे हैं उसको बहुत तेज़ी से किया जाए, और ये लोग सब सुप्रीम कोर्ट को तक अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और 9 तारीख को जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में डेट है उस डेट पर सभी लोग वहाँ तैयार हैं जाने के लिए, और कह रहे हैं कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा करके अपनी पीड़ा रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई आप जो है इस पेमेंट में देरी क्यों कर रहे हो। भारतीय लोक सेवा दल इस चिटफंड के मुद्दे को आगे लेकर बढ़ रहा है, क्या आगे की तैयारी है, क्या आगे की रणनीति रहेगी? भारतीय लोक सेवा दल ने अल्टीमेटम दे दिया है सेबी को, लोडा कमेटी को, सीबीआई को और जो है ईडी को कि अगर आपने इन पीड़ित लोगों का पेमेंट जल्दी से नहीं किया तो हम इस आंदोलन को इतना तेज और करेंगे कि आपको इसकी जिम्मेदारी स्वयं लेनी होगी, फिर आप हमसे नहीं कहेंगे कि सरकार को क्या क्षति हो गई। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद। भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद। जिंदाबाद। भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद। जिंदाबाद। महेंद्र पाल सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महेंद्र पाल सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। महेंद्र पाल सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामदेव गौतम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रामदेव गौतम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारतीय लोक सेवा दल जिंदाबाद। जिंदाबाद।